अब यहाँ पे बात करते हैं जो हम एक्सेल के अंदर में जो चार्ट्स यूज करते हैं या जो आप सांख्यिकी के अंदर जो पढ़ते हैं अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन की क्लासेस में जो आप पढ़ते हैं, क्या ये इधर बनाया गया है या ये बहुत पहले से चला आ रहा है? देखिए, मैंने अभी भी बताया आपको कि चार्ट्स का इस्तेमाल डेटा को कंपेयर करने के लिए होता है, ताकि आप बड़ा कौन सा छोटा है उसकी अरेंजिंग अरे आराम ढंग से कर सके। लेकिन ये सिस्टम हजारों साल पुराना है। हिंदू ग्रंथ हिंद अगर हम इंडिया और हिंदू की जो कल्चरल है, उनकी हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, उसको देखें तो ये कई हजार सालों पुराना है। अब बोलेंगे ये कैसे? जो हमारे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, अब सबों के पास तो गणित की नॉलेज इतनी अच्छी होती नहीं थी, तो अगर वो कोई डिसीजन लेते थे तो उनका जो खजांची होता था, उनका जो मुनीम जी अकाउंटेंट टाइप के जो होते थे, उनके जो कर विभाग होते थे, वो उनको एक्सप्लेन करते थे कि अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो आपका सेल यहाँ रह गया है, या आपका प्रॉफिट यहाँ है, आपका खजाना इतना है, और कुछ सालों बाद जब खर्चा कर देंगे तो आपका खजाना यहाँ पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि तो उनको आंकड़ों में नंबर्स में अगर बोलेंगे कि इतना संख इतना फतून, क्योंकि अरे जरा होता था ना खरब अरब, तो उनको समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। तो ये बहुत पुरानी सभ्यता है और बहुत ही पुरानी सिस्टम है किसी भी नंबर को विजुलाइज करने के लिए।